नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे करने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। एफडीआई, स्वच्छ भारत अभियान, 3 तलाक और धारा 370 जैसे फैसलों को बताया ऐतिहासिक कदम। हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को बताया हिमालय संरक्षण के लिए संकल्पित। पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर और अधिक सख्ती के निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष ने भी हिमालय के लिए लोगों से आगे आने का किया आह्वान। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पौड़ी में स्कूली छात्रों ने किया छात्र पंचायत का गठन। पंचायत की बारीकियों को जानने के साथ छात्रों ने अपने क्षेत्र में चलाया पंचायत स्वच्छता अभियान। और पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ अल्मोड़ा का ऐतिहासिक मां नंदा सुनंदा मेला। अंतिम दिन देवी की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाल कर किया गया विसर्जित। कार्यक्रम में उपस्थित रहे अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 100 दिनों को भाजपा कठोर परिश्रम और बड़े निर्णय लिए जाने के तौर पर मना रही है। इस अवसर पर राजधानी देहरादून में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक पत्रकार वार्ता में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से वहां के लोगों को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। डॉक्टर निशंक ने एफडीआई से लेकर स्वच्छ भारत अभियान और 3 तलाक जैसे फैसलों को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों के बारे में भी बताया। इनमें योग, पर्यावरण, फिट इंडिया, प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे अभियानों से आम जनता के जुड़ाव का भी जिक्र किया गया। आतंकवाद की बात करते हुए डॉक्टर निशंक ने कहा कि आज पूरा विश्व समुदाय आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो सका है। इसरो की कामयाबी का जिक्र करते हुए डॉक्टर निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश इसी तरह प्रगति की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। इतने भी कानून पास हुए हैं, कुछ 732वें और कुछ 2/3 बहुमत से हुए हैं, वो भी देश के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक अपना अलग इतिहास रचा है। चाहे वो धारा 370 का विषय हो, धारा 370 और 35A, इस देश का बच्चा बच्चा भी महसूस करता था कि आखिर एक देश के अंदर 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान क्यों हो, क्यों देश एक नहीं रह सकता है। किसी भी देशभक्त के मन में ये छटपटाहट होती थी और मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के बाद 70 वर्षों के बाद उस छटपटाहट को यदि मूर्त रूप दिया है और व्यवस्थित तरीके से किया है, जम्मू कश्मीर लोगों के हक में किया है, देश की एकता और अखंडता के लिए किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल व्यक्तित्व और एक एक मिनट एक एक चीज को जिस तरीके से उन्होंने संयोजित किया है, आज जम्मू कश्मीर के अंदर अब लोगों को महसूस होता है कि हाँ आज उनको आजादी मिली है। चंद लोगों 10 बैंकों को जो एकीकरण करने का किया है उसको भी अच्छे परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जो सीधा लाभ मिला है, आपने देखा होगा कि जनधन योजना के खातों में भी तब ये महसूस हुआ था कि हजारों करोड़ रुपया चंद बीज के दलालों के हाथ में जाता था, अब सीधा चाहे मेरा मजदूर है, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में चाहे किसान है, उसको मिलने वाली सीधी सब्सिडी, उसको मिलने वाला सीधा लाभ, चाहे उसका पेंशन का है, चाहे सब्सिडी का है, चाहे जो अन्य लाभ है, वो सीधा सीधा उसके खाते में जाएंगे। हमने इसी बीच चाहे श्रमिक को पेंशन मिलने का रहा होगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कामगार मजदूर कभी पेंशन भी पा सकेगा, उसको तो सपना भी शायद नहीं देखा होगा उसने। ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और ढांचागत विकास से लेकर के और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति तक
इस तरीके के जितने महत्वपूर्ण निर्णय इस बीच लिए हैं, मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद ये एक नया इतिहास बना है। मैं समझता हूं कि जो हमने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात की है उसमें भी ताकत है, क्योंकि पीछे यदि देखें अपने देश को वर्षों वर्षों से, तो कभी भी आर्थिक दिशा में उस दौर में कभी दुनिया के लोगों ने सोचा भी नहीं था। आज विश्व के लोग जरूर इस बात को महसूस करते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जरूर पीछे कभी आजकल टिप्पणी आ रही है, ये तो क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन यदि टोटली परिप्रेक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था इस बात को लेकर के और भारत की साख इस बात को लेकर के प्रमाणित होती है कि हमारा जो FDI है उस FDI में पूरी दुनिया का निवेश का केंद्र आकर्षण केंद्र आज हिंदुस्तान बन गया है। और पिछले वर्ष की अपेक्षा FDI में हमने 25% का उछाल पाया है। इस समय लोगों में और भरोसा हुआ है और इसलिए 100 लाख करोड़ के ढांचागत व्यय होने का जो अनुमान है 100 लाख करोड़ ढांचागत अवस्थापना पर होगा जिसमें सड़कें बनेगी। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी केंद्र सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बधाई देना चाहूंगा। इन 100 दिनों में उन्होंने जो कहना चाहिए कि जिस तरह की बैटिंग की है, कहना चाहिए खेल की भाषा में छक्के पर छक्का, उसके लिए बहुत बधाई देता हूं। जिस तरह के अमेंडमेंट्स उन्होंने किए हैं संवैधानिकों या तमाम जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम हिमालय विज्ञान चिंतन व विवेचना में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमालय के संरक्षण के लिए संकल्पित है। पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड वासियों के स्वभाव में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलिथीन के प्रयोग को सख्ती से रोका जाएगा, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को भी रोका जाएगा। मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि जब हम हिमालय दिवस मना रहे हैं तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी वस्तु का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल, वन यूज प्लास्टिक हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, और जो बाकी प्लास्टिक है उसको हम रिसाइकिलिंग के लिए भेजेंगे। तो हमारा प्रदेश स्वच्छ रहेगा, यहाँ की आबो हवा स्वच्छ रहेगी, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो भारत को लगभग 65% पानी का सोर्स ये हिमालय है, ये सोर्स सुरक्षित रख सकें उसके लिए हम लगातार वृक्षारोपण करेंगे। पॉलीथीन पर हमने वैसे बैन किया है लेकिन हम उसके लगातार जागरण कर रहे हैं, और हमने योजना बनाई है कि हम पॉलीथीन पर, जो लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो तमाम व्यापारी हैं उन्होंने हमसे कहा कि हमको 1 महीने का स्टॉक हमारे पास रहता है लगभग, ये स्टॉक आप हमको समाप्त करने दीजिए, उसके बाद आप सख्ती करिए, हम आपके साथ में। हिमालय दिवस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2009-10 में शुरू हुए इस अभियान ने आज बड़ा रूप ले लिया है। हिमालय को संरक्षित करना हम सभी का फर्ज है। 2009-10 में हिमालय दिवस शुरू हुआ था और उसने बड़ा आकार पाया है। हिमालय की चाहे जड़ी बूटियां हो, हिमालय की जनशक्ति हो, वन शक्ति हो, जैवविविधता की शक्ति हो, जड़ी बूटी की शक्ति हो, ये हिमालय पर क्या उसकी खनिज संपदा हो, चाहे आध्यात्म की शक्ति हो, हिमालय पर तमाम प्रकार के अध्ययन हो करके वो देश के निर्माण में देश की शक्ति कैसे बन सकती है और पूरी दुनिया जैसे, क्योंकि ये हिमालय एशिया का वाटर टावर है और उसके वन संरक्षण और जल संरक्षण की दिशा में उसके सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन हिमालय दिवस के रूप में हजारों लाखों लोग संकल्प लेकर के पर्यावरण की रक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए और
आदमी की संवेदनशीलता को बचाए रखने के लिए जो संकल्प लेते हैं, मुझे लगता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और चाहे वो उधर नेपाल का हो, भूटान का हो, म्यांमार का हो या तिब्बत का हो या कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का हो, ये समूचा जो हिमालय है वो हिमालय पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी के रूप में है। इस पूंजी को बचा करके रखना चाहिए और हमारा जो देश का हिमालय है हिंदुस्तान का, वो देश के लिए और ताकत कैसे बन सकता है। इस पर जो हिमालय दिवस के अवसर पर संकल्प हो रहा है, मैं सबको बधाई देता हूँ और अगली बार इसकी एक बैठक दिल्ली में करने का विचार है। हिमालय दिवस के अवसर पर उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हिमालय के संरक्षण और संवर्धन के लिए न केवल एक दिन बल्कि प्रत्येक दिन हिमालय को बचाने के लिए हम सभी को संकल्पित होना चाहिए। हिमालय संरक्षण समाधान एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि जिस हिमालय ने सदियों तक मानव और जीव जंतु को जीवित रखा वो हिमालय आज संकट में है। हिमालय को बचाने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है और जन सहभागिता से ही हिमालय का संरक्षण किया जा सकता है। श्री अग्रवाल ने कहा है कि देश को स्वच्छ रखने के लिए और पर्यावरण की शुद्धता के लिए पॉलिथिन मुक्त भारत का अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया है। हम सबको इस अभियान का सहभागी बनना चाहिए। इस अवसर पर कई गणमान्य हस्तियों ने भी हिमालय संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक कदम पर अपने विचार रखे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा में स्वच्छता छात्र पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत में बच्चों ने पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों, उनके दायित्वों को बेहतर ढंग से उजागर कर कार्यों को क्रियान्वित करने की बात रखी। वहीं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को सही तरीके से संचालित करने और पंचायत को स्वच्छता के प्रति काम करने को लेकर भी प्रेरित किया। छात्र पंचायत के बाद छात्र छात्राओं द्वारा कंडारा बाजार में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। छात्र पंचायत की इस पहल की लोगों ने काफी प्रशंसा की। हम अपने समाज को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है। स्वच्छता ना करें तो हमें क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने छात्र पंचायत का गठन किया। स्वच्छता के प्रति सभी लोगों को जागरूक किया कि हमने एक छात्र पंचायत, एक नुक्कड़ नाटक किया, छात्र पंचायत बुलवाई, तो हमने उसमें सभी को बताया कि स्वच्छता क्या है, स्वच्छता हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि अगर हम स्वच्छता करेंगे तो हम निरोग रह सकते हैं, हमें कोई बीमारियां छू भी नहीं सकती हैं। विद्यालय में एक स्वच्छता पंचायत, एक ग्राम पंचायत के रूप में यहाँ पर उसका डिस्प्ले छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया, जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहा। छात्र छात्राओं के द्वारा ग्राम पंचायत का यहाँ पे आयोजन किया गया तथा ग्राम पंचायत प्रधान एवं सदस्यों के रूप में, वार्ड मेंबर के रूप में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया और जो कि काफी प्रभावशाली रहा। अल्मोड़ा का विशेष सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मेला नंदा देवी शोभा यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। इस अवसर पर नंदा देवी मंदिर से मां नंदा सुनंदा की केले की खामों से बनी भव्य प्रतिमाओं को डोली पर सजाकर उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मान्यता के अनुसार डोली की विदाई बहन व कुल की बेटी की तरह की जाती है, जिसके बाद दोनों प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। मानंदा सुनंदा चंदवंशी और कुल देवी के रूप में भी प्रचलित है, इसलिए चंदवंशी और वंशज कुंवर केसी सिंह बाबा इस आयोजन में मौजूद रहे। मेले के दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांसद अजय टमटा भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि माँ नंदा पूरे उत्तराखंड में पूज्य है, ये हमारा गौरव है कि हम इस देवभूमि के रहने वाले हैं। प्रदेश में नंदा महोत्सव मनाया जाता है, सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं। ये ऐतिहासिक मेला अल्मोड़ा से शुभारंभ होता है और हर वर्ष इस मेले को मेला परिसर के अंदर ही किया जाता है। इस बार चूंकि मेले की भव्यता को देखते हुए दो तीन स्थानों में करने का निर्णय लिया है नंदा देवी कमेटी ने, मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इस बढ़ते हुए मेले के स्वरूप के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और जो हमारे पूर्वजों के संस्कार थे वो हम हरी आने वाली पीढ़ी तक पहुँच रहा है। चंदवंशी कुल पुरोहित नागेश पंत जी ने मां नंदा के महत्व के बारे में जानकारी दी और सभी को मेले के सकुशल सम्पन्न होने की शुभकामनाएं दी।
रात को माँ नंदा देवी माँ अष्टमी का जो है महापूजन होता है। सर्वप्रथम वहाँ पर गणेश पूजन और उसके बाद होम का कार्यक्रम होता है और फिर माँ की पूजा अर्चना होती है और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर और कार्यक्रम पुण्यवाचन कार्यक्रम नवग्रह पूजन जिस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है और इसे जो है राधा आनंद सिंह जो है तांत्रिक रूप से इस पूजा को किया करते थे। उसी क्रम में जितना हम लोग आज कर सकते हैं उसी परंपरा को अभी भी हम निभाते रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।